सबको पता है ये बात तो, ठीक है। हेड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई जब डिफ्रेंशिएशन, जैसे मेरे पास कुछ भी है y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो क्या आएगा जी, कॉस एक्स। फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। यदि मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करता, इसको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा जाता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। समझ में बात आई। याद रखना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कभी भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं होता है। सही बात है कि नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। सही बात है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक अलग चीज़ हुआ, और डबल डेरिवेटिव या इसको बोलते हैं ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर टू, बट इसका ऑर्डर कितना होगा जी, ऑर्डर कितना होगा इसका, कितना हुआ ऑर्डर वन, इन दोनों में डिफरेंस है, समझ गए। इसका डिग्री वन हुआ, इसका डिग्री टू हुआ, जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे। तो डी टू वाई बाई डी एक्स इसी को, अब मैं डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से माइनस कॉस एक्स। फिर से मैं डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। समझ बात आई कि नहीं आई, आई बात सबको समझ में? Yes, sir. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अब इसी तरह से ये क्या जा सकता है, nth टर्म तक जा सकता है कि नहीं, nth टर्म तक जा सकता है, मतलब n ऑर्डर का जा सकता है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, और डी एन वाई और डी एन एक्स क्या आता है, साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स। देखो नोटिस करो, जब इसमें वन पुट करोगे तो क्या जाएगा, साइन पाई बाई टू, तो कॉस आ जाएगा, तो देखो कॉस आया कि नहीं। टू पुट करोगे तो टू कैंसिल हो गया, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो देखो डी टू वाई डी एक्स कर क्या गया, माइनस साइन एक्स आया कि नहीं आया, ठीक है। थ्री पुट करोगे तो देखो थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स, देखो आ रहा है कि नहीं। तो डी एन एक्स वाई, मतलब इस केस में ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब nth डेरिवेटिव, इसको क्या बोलेंगे, nth डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सिंगल ऑर्डर था उधर, और अब धीरे धीरे क्या हो गया, इसका ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर थ्री फोर फाइव, लाइक दिस एंड सो ऑन एन ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव या nth डिफरेंशियल कॉफिशियंट वर्ड भी यूज करेगा बहुत जगह, ठीक है। डिफरेंशियल कॉफिशियंट भी, डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कॉफिशियंट भी बोलते हैं, समझ बात आई, ठीक है। तो nth इसको डिफरेंशियल कॉफिशियंट भी बोलेंगे। तो आई होप ये आइडिया तो सबको है कि हायर ऑर्डर ऑर्डर मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने एक बार रिपीट कर दिया, क्लियर हो गया ये बात। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जिसको बोलते हैं, डेरिवेटिव को इसी को बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे, ठीक है, सेकंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ये भी वर्ड आपके क्वेश्चन आंसर में रहेगा। तो इसको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंस ढेर सारा नाम है। समझ में बात आई कि नहीं आई, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? Yes, sir. ये बात तो सभी को पता होगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो क्या क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, कि इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई जैसे मैं जो एग्जाम में डिफरेंस जो आएगा नोटेशन, वो नोटेशन इस तरह से आएगा, या तो इसको बोल देगा वाई डबल डैश, या बोल देगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, या बोल देगा, ठीक है, वाई के पावर ऐसे टू, या एफ के पावर ऐसे टू और एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या बोल देगा डी टू एन। समझ बात है, डी टू एन, ठीक है। इसमें से कोई भी नोटेशन यूज हो जाएगा आपके एग्जाम, ये नोटेशन होता है डबल डिफरेंशिएशन का, और डबल डिफरेंशिएशन का होता है वैसे ही nth डेरिवेटिव का भी बोल सकते हैं। तो nth डेरिवेटिव में ये दोनों तो यूज नहीं होगा, यहाँ से आएगा y ऐसे लिखा रहेगा n, तो इसका मतलब nth डेरिवेटिव, ठीक है, इसका मतलब nth डेरिवेटिव, ठीक है, इसका मतलब nth डेरिवेटिव, इसका मतलब nth। समझ बात आई कि नहीं आई, समझ बात आई, ठीक है। तो इस तरह से नोटेशन होता है,
क्योंकि एन ओबियस डैश एन बार तो लगा नहीं सकते हो, बोर्ड भर जाएगा एन नहीं होगा, तो इसीलिए ये दोनों फिर बाद में यूज नहीं होता है, लेकिन ये दोनों मतलब चार पांच तक तो यूज कर ही सकता है, ध्यान रखना। ओके आई होप क्लियर हो गया ये बात नोटेशन, ठीक है। अब देखो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है, किसका, डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो देखो कि जैसे सिंगल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, dy by dx बोलते थे, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, क्या होता था, क्या होता था, अरे क्या होता था बोलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखा हूं मैं, फिजिकल मीनिंग नहीं बता रहा हूं, ठीक है, फिजिकल नहीं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, लिमिटिंग स्लोप, ठीक है, फिजिकल मीनिंग पूछूंगा तब वो स्टेटमेंट दोगे, ठीक है, लिमिटिंग स्लोप या इसी को यूनिक लिमिटिंग स्लोप एट अ पॉइंट या इसी को बोल देते हैं यूनिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूनिक, क्या बज रहा है यार ये, ओके, यूनिक इसी को बोलते हैं यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट, सही बात है, ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, किसका होता है, dy by dx का, ये पर आए थे, ठीक है। और फिजिकल मीनिंग मैंने बोला था कि dy by dx का फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग बोलेगा, ठीक है, जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल मीनिंग, तो इसका मतलब क्या होता है फिजिकल मीनिंग का, कि चेंज इन वेरी वेरी, ऐसे वेरी 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 जितना लिख सकते हो, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ बात आई कि नहीं आई, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही बताया था जी, अरे बताओ dy by dx का मतलब यही बताया था ना, ओके ठीक है। अब देखो d2y by dx square का d2y by dx square, ये एक्चुअल में क्या होता है, d of dx का dy by dx, यही होता है, इसका मतलब ये होता है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये होता है। तो इसका देखो सबसे पहले फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग देखो ध्यान से, हम डिफ्रेंशिएट फिर से किसको कर रहे हैं, ये इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dy by dx को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और dy by dx एक्चुअल में क्या होता है, dy by dx क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है, लिमिटिंग स्लोप या टेंजेंट बोल लो, मतलब कि जैसे ये मेरा ये है, तो यदि इस पॉइंट पे f डैश निकालूंगा, f डैश x, तो ये क्या देगा, यहाँ का स्लोप देगा, फिर यदि मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा तो हर पॉइंट पे स्लोप आएगा, हर पॉइंट पे स्लोप है, हर पॉइंट पे स्लोप है कि नहीं है, बोलो आए ना, तो जब फिर से देखो dy by dx को करेंगे तो ये जो स्लोप है ये, तो जैसे जैसे x को चेंज करेंगे तो वो f डैश x में क्या चेंज हो रहा है, वही बात तो d2y by dx square बता रहा है कि नहीं, समझ बात है, कि स्लोप में जो चेंज है x के रिस्पेक्ट में वो चीज कौन बता रहा है, d2y by dx square, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो फिर इसका, ठीक है, फिजिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, कि चेंज इन इन स्लोप वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन स्लोप, समझ बात है, कि विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, कि स्लोप में बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी सी चेंज है, ठीक है, बहुत छोटी सी चेंज, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, उसी चेंज को क्या बोलते हैं, ठीक है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, सही बात है कि नहीं, डी सिमिलरली डी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा,
ये जो स्लोप का जो चेंज हो रहा है उसमें जो चेंजिंग आएगा वो डी टी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो हम हमारा सिलेबस में तो यहीं तक है, तो हम यहीं तक बात करेंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। समझ बात आई? तो ये बात क्लियर हुआ, बताओ ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके okay. अब इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका दो होता है। एक, यदि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो हमारा जो कर्व होता है, कर्व का बिहेवियर कनकेविटी, कनकेविटी अप, ओके। और डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यदि लेस देन जीरो होता है तो हमारा कर्व का बिहेवियर क्या होता है, यानी कर्व का बिहेवियर मतलब क्या कि ये जो हमारा जो स्लोप का जो चेंज है, पॉइंट समझ रहे हो, स्लोप का जो चेंज होगा वो कनकेविटी अप की तरफ होगा। ठीक है, तो कनकेविटी अप लिख लो, कर्व मत लिखो, कनकेविटी अप की तरफ कैसे होगा अभी बताता हूँ। और इस केस में कनकेविटी, कनकेविटी डाउन, जैसे टेंजेंट, एक टेंजेंट होता है ऐसे, तो वैसे ही कनकेविटी अप कैसे होता है, कनकेविटी अप क्या हुआ ये, और कनकेविटी डाउन क्या हुआ ये, कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का यदि ऊपर कर्व है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेविटी अप। क्या कनकेविटी? इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, देन इन दिस केस केस कर्व इज ऑलवेज बिलो, सॉरी, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट देन टेंजेंट इज, इन दिस केस टेंजेंट इज ऑलवेज बिलो द कर्व। और कनकेविटी डाउन में क्या होगा, हमेशा कभी भी टेंजेंट बनाओगे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो उस टेंजेंट के बिलो होगा। समझ बात है? ठीक है, तो कनकेविटी आपको कैसे पहचानेंगे कि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, यदि उस टेंजेंट के ऊपर में कर्व है, टेंजेंट के ऊपर में कर्व है, तो इसका मतलब किसको भी शो कर रहा है, किसको भी शो कर रहा है, कनकेविटी आपको। और यदि टेंजेंट हर पॉइंट पे बनाया और कर्व नीचे की तरफ दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कनकेविटी डाउन है। समझ बात आई कि नहीं आई? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है जो मैंने समझाया अभी तक? अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि सर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्यों कनकेविटी अप हो जाता है, ये ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है तो क्यों कनकेविटी डाउन होता है, एक ये क्वेश्चन होगा, है ना? और चीजें समझ में आ गई सबको? जैसे तुम नोटिस करके, हाँ जैसे तुम नोटिस करके देखो, हमारे पास y इक्वल टू लॉग x होता है, बताओ इसका ग्राफ ये जो है ये कनकेविटी डाउन है कि कनकेविटी अप है? कनकेविटी डाउन है ना जी, डाउन ही डाउन। कहीं भी थोड़ा सा कर्व बनाओ, देखो कनकेविटी डाउन है कि नहीं। अब इसका dy बाय dx निकालो, y डैश निकालो तो क्या आएगा, 1 बाय x, y डबल डैश निकालो माइनस 1 बाय x स्क्वायर आ रहा है और ये हमेशा लेस देन 0 है, इसीलिए कनकेविटी डाउन है। इसका देखो, इसका ग्राफ देखो, ये क्या है, कनकेविटी अप की कनकेविटी डाउन अप है। तो देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, ये के पावर एक्स का डिफिनेशन होता है, तो ये क्या आएगा, ई के पावर एक्स ही आएगा और ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है कि नहीं होता है, ई के पावर एक्स, एक्स कुछ भी रखोगे तो ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, जल्दी बोलो, है ना? ठीक है, तो समझ में आ, देखो हो रहा है कि नहीं? जैसे तो हमने बताया था एक बार क्या कि साइन एक्स का कर्व ऐसा ही क्यों होता है, ये नीचे की तरफ क्यों रहता है, तो नीचे की तरफ देखो, यहाँ से यहाँ क्या है, कनकेविटी क्या है, कनकेविटी डाउन है। तो जीरो से पाई में साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे साइन एक्स का तो क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स, अब माइनस साइन एक्स तो जीरो से पाए में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमको पता है जीरो से पाए में, तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है और ये चीज़ निगेटिव, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेट लेस देन जीरो होगा कि नहीं होगा, लेस देन जीरो होगा, इसीलिए देखो ये कनकेविटी डाउन है और इसीलिए ग्राफ ऐसे बनता है। समझ में आया लॉजिक, कनेक्ट हुआ? ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है तुम्हारा कि सर ये कनकेविटी डाउन कैसे होता है, तो इसको समझाने का एक बार कोशिश करता हूँ, ऐसे कोई पूछेगा नहीं, समझ जाना, ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़े। लिख लिया सब लोग ये सारा? यस सर।
ठीक है। अब देखो एक बार मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। देखो जब कनकेविटी अप होता है, ठीक है, तो जैसे मैंने ग्राफ लिया कनकेविटी अप का, ठीक है, देखो ग्राफ लिया कनकेविटी अप का, तो हम टेंजेंट का रेट देख रहे हैं। जैसे ही मैंने ये ग्राफ लिया, ये कनकेविटी अप टाइप का ग्राफ है, ठीक है, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि हर एक टेंजेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज, ये बोला था ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, चेंज इन टेंजेंट। टेंजेंट जो है, टेंजेंट मतलब क्या कि स्लोप, हर पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया मान लेना, ठीक है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते इसी का स्लोप का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा इसी का स्लोप एक्स के रिस्पेक्ट में, इस टेंजेंट बनाएगा तो इसी का स्लोप एक्स के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा इसी का स्लोप, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा इसी का स्लोप, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा इसी का स्लोप। अब तुम नोटिस करके देखो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं? सारा वैल्यू, सारा स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं? तो जब सारा स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप को हम देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ डी टू स्लोप कौन है? डी वाई बाई डी एक्स। इसी का हम रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? डी वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये चीज़ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो देखो कनकेव अप है कि नहीं, और कनकेव डाउन में तुम नोटिस करो, कनकेव डाउन में देखो ये एक्स, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये एक्स ये एंगल बन रहा है, ये सॉरी ये एक्स ये एंगल बन रहा है, ये एक्स ये बनते 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 लास्ट में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, लास्ट में ये जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं? और यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर यदि ये ग्राफ इस तरह से जाते जाएगा ऐसे करके देखो ये कनकेविटी, सॉरी मैं कनकेविटी अप ही बना दिया, कनकेविटी डाउन बनाना है ना मुझे। और इसमें भी पॉजिटिव ही होगा स्लोप, क्यों वो क्या हो रहा है निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी तरफ से आकर के जीरो की तरफ जा रहा था इसमें, समझ गए? देखो कनकेविटी डाउन, डाउन मतलब अप हो गया ये ऐसे, देखो ये डाउन जा रहा है कि नहीं? देखो अब इसमें ध्यान दो थोड़ा सा इसमें कर्व, देखो यहाँ पे स्लोप ऐसे है, यहाँ पे स्लोप देखो ऐसे है, यहाँ पे स्लोप देखो ऐसे है, यहाँ पे स्लोप देखो ऐसे है, तो तुम नोटिस करके देखो यहाँ जब एक जगह आएगा जहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी चला जाएगा है कि नहीं, और उस इन्फिनिटी स्लोप के बाद फिर बिहेवियर चेंज हो जाएगा कर्व का, जो कि हम उधर बताएंगे कि देखो कनकेविटी अप से कनकेविटी डाउन रहती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है बाद में बताएंगे। तो तुम नोटिस करके देखो एक्स को जैसे जैसे एक्स के तरफ बढ़ाते हैं, देखो एक्स यहाँ था पहले, फिर एक्स यहाँ था, फिर एक्स यहाँ था, तो ये तुम नोटिस करके देखो कि जो स्लोप है वो कम होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है, देखो ध्यान से, क्योंकि स्लोप कम होते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो स्लोप डिक्रीज करेगा तो भी सी बात है ये वैल्यू किधर आएगा, लेस देन जीरो की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है? डिक्रीज मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डिक्रीज मतलब लेस देन जीरो, इंक्रीज मतलब, इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको बोल जो ये एक कोई चीज़ है और ये डिक्रीज कर रहा है, ये कोई चीज़ जेड है, जेड डिक्रीज कर रहा है, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, लेस देन जीरो लिखेंगे कि नहीं? और जेड क्या है, सॉल्व में जेड क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसीलिए लेस देन जीरो होगा। आई होप समझ में आया क्या कि क्यों होता है? समझ में आ गया तो भी ओके, नहीं भी आया तो आपको ये याद रखना है, ठीक है क्या, कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो कनकेविटी अप होगा, डी टू एक्स बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होगा। और बहुत ईजी है समझना, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन काम है, ये मैंने समझाया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर, आगे बढ़ूँ? तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग किसका, डबल डेरिवेटिव का। ओके क्लियर है सब लोग? तो अब देखो दो तीन नोट पॉइंट है, ठीक है, और दो तीन नोट पॉइंट क्या है कि ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो है हमें काम आएगा जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देंगे। तो देखो नोट फर्स्ट, साइन डी
ऑफ एन ऑफ डी एक्स एन साइन एक्स। अभी अभी हमने दिखाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एन पाई बाय टू प्लस एक्स। ओके, सिमिलरली डी के पावर एन ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स एन को क्या लिख सकते हैं, कॉस एन पाई बाय टू प्लस एक्स। समझ बात है, समझ गए? हेलो, समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला होता है बहुत इम्पोर्टेंट कि u d ऑफ डी एक्स ऑफ एन ऑफ u इंटू वी। ओके, जैसे कि तुम्हें डी टू, जैसे d ऑफ डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो सबको पता है क्या होता था, u डैश इंटू वी प्लस यू वी डैश होता था ना? तो वैसे ही ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, या इसी को d के पावर n इंटू यू वी ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखते हैं nc0। ठीक है, nc0, फिर हम क्या करते हैं, u को एज इट इज रखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। याद करो ये करते थे कि नहीं, और v को डिफ्रेंशिएट, ये मतलब क्या हो, nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब प्लस nc1, फिर u को एक बार डेरिवेटिव, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव, अब v को n माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव। समझ बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर nc2, तो u को कितने बार डेरिवेटिव, दो बार, और n को, सॉरी v को n माइनस टू टाइम्स, v को n माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव है। सिमिलरली यदि rth टर्म के लिए लिखे तो ncr, और u को कितने टाइम, rth टाइम, और v को कितने टाइम, r माइनस टू टाइम। समझ बात है, एंड सो ऑन इसी तरह से चला जाएगा। यदि ncn करोगे तो u को कितने टाइम, n टाइम, फिर v को n माइनस n टाइम, तो ये वन टाइम, दैट्स इट, ये इतने टर्म जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये फॉर्मूला, समझ में आया? हेलो, यस सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स ए पावर फाइव इंटू एल एन एक्स। आपको सपोज इस तरह का टर्म कहीं पे दे दिया निकालने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसको करने के लिए पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करो, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, फिर जो वैल्यू आएगा फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इतने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं? अरे है कि नहीं बताओ, हाँ ना, हेलो, करना पड़ेगा सर। हाँ सर, जो आपने एनसीआर लिखा है ना, हाँ, उसमें ओके गलत कर दिया, एन माइनस आर आएगा। ठीक है, सही है ना? Yes. Okay, yes. तो ये, तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितने बार चलेगा, देखो एनसी जीरो मतलब तीन, एन की वैल्यू क्या है, तीन, तो तीन सी जीरो इंटू यू क्या है मेरे पास, एक्स ए पावर फाइव, वी क्या है, अब देखो वी को मेरे को कितने बार डिफ्रेंशिएट करेगा, करना पड़ेगा, एन की वैल्यू तीन है तो तीन बार, तो यहाँ डी क्यूब डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ एल एन एक्स का कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तीन बार, सही बात है कि नहीं? प्लस फिर थ्री सी वन इंटू एक्स ए पावर फाइव का कितने बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, एक बार, तो ये सिंगल बार, इंटू एल एन एक्स को कितने बार करना पड़ेगा, दो बार, है कि नहीं? अब प्लस थ्री सी टू एक्स ए पावर फाइव कितने बार करना पड़ेगा, दो बार, इंटू एल एन एक्स को कितने बार करना पड़ेगा, एक बार। ठीक है, अब प्लस थ्री सी थ्री एक्स ए पावर फाइव को कितने बार करना पड़ेगा, तीन बार। ठीक है, और इसको भी कितने बार करना पड़ेगा, एल एन एक्स को एक बार, समझ बात आई? सॉरी, एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ये कांस्टेंट हो जाएगा लास्ट वाला टर्म, सॉरी। ठीक है, क्योंकि यू एक बार कांस्टेंट हुआ तो भी एक बार लास्ट में कांस्टेंट होगा, वो भी डैश नहीं लिखाएगा, भी सिंपल लिखाएगा, समझ बात आई? अब इसको सॉल्व कर दोगे यही वैल्यू देगा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, है ना? अरे समझ में आया कि नहीं ये फॉर्मूला, सबको आ गया समझ में? जल्दी बोलो हाँ या ना, तभी तो आगे बढ़ूंगा। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल याद रखना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बाइनोमियल थ्योरम के जैसा है फॉर्मूला। ओके, अब देखो दो तीन क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है जी, एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो और बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और इतना शानदार क्वेश्चन है पूछो मत। और ये फॉर्मूला की तरफ भी वर्क करेगा क्योंकि ये प्रूफ है, तो प्रूफ फार्मूला की तरफ भी वर्क कर सकता है। तो चलो करके मुझे बताओ, एक्सप्रेस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डी डॉट से मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, ओके, कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसको करो। समझ बात आई, क्वेश्चन आया समझ में सबको? हेलो, क्वेश्चन आया समझ में? अरे क्वेश्चन आया कि नहीं ये तो बोल दो। हाँ ना, यस सर, ठीक है, तो करके बताओ। सर टर्म्स ऑफ के बाद क्या लिख रहा था? इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी आपको गिवेन है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ जी, आया किसी का कुछ? देखो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है कि आपके पास जो गिवेन है, गिवेन क्या है, डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी, ओके, आपके पास ये चीज गिवेन है और
इस चीज को मतलब डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में बोला डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो ये नहीं है डी वाई बाई डी एक्स तो है नहीं, ये चीज आपके पास, तो इस चीज को आप इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे? ऑप्शन दे दूं क्या? यस सर। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसको, फर्स्ट ऑप्शन है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी माइनस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू का क्यूब अपॉन डी एक्स बाय डी टी का क्यूब। ओके फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी माइनस डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी का क्यूब। ओके थर्ड ऑप्शन है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का क्यूब माइनस डी टू वाई बाय डी टू स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाय डी टी का क्यूब एंड फोर्थ ऑप्शन है एनओटी। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर है। ओके सर बी बी ऑप्शन वाला। हाँ सही है, सेकंड वाला आंसर तो सही बता रही है आप। यस ऑप्शन सेकंड आ रहे हैं। चलो गुड सर, अब बाकी के क्वेश्चन कल करें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, जिसको हो गया सही है, जिसको नहीं हुआ कल मेरे से पूछ लेना, वैसे ट्राई करो हो जाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, कल मेरे को याद दिला देना पेपर डिस्कशन का, ठीक है? यस सर।